नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। एक्चुअली आपकी डिमांड थी लीडिंग केसेस की, तो उसी श्रृंखला में पिछली बार मैंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के ऊपर इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेस दिए थे। वो आपके सभी कंप्यूटर एग्जाम में उपयोगी हैं, चाहे वो एडीजे हो, सिविल जज हो, या एडीपीओ हो, या अन्य नेट का भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी बहुत उपयोगी हैं। उसी श्रृंखला में दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें अपन इंडियन पिनल कोड 1860 के महत्वपूर्ण लीडिंग केसेस देखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लीडिंग केसेस का वो एविडेंस के ऊपर होगा। तो दोस्तों इन लीडिंग केसेस का आप उपयोग करें, उनको ध्यान से देखें और पूरी की पूरी वीडियो अंत तक देखें तो आपके ज़्यादा फायदा होगा, उसको बीच में ही छोड़ के विड्रॉ ना कर लें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इंडियन पिनल कोड के लीडिंग केसेस। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण बात लीडिंग केसेस इस प्रकार हैं, इन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से अब देखते हैं। नंबर वन, बूटा सिंह बनाम राज AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 1316 CGA ADPO 2013 में ये क्वेश्चन आया था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को स्थापित करने हेतु अभियुक्त को इस संबंध में साक्ष्य पेश करना चाहिए। टू, मिथु बनाम पंजाब राज AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 473, इसके मामले में उक्त बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार देते हुए अविखंडित और शून्य घोषित किया था। थर्ड, बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, MP ADPO 2009 और 2010 में ये रिपीट हुआ। बहुत ही महत्व का ये क्वेश्चन था, इसके बारे में अपन देखते हैं। उक्त बाद में है निर्णित किया गया था कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, सामान्य स्थितियों में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं अगला है फोर्थ, वासुदेव बनाम पेप्सू राज AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उक्त बाद मद्यपान पर एक सूचक निर्णय है। पांचवा है सेराज बनाम डी रूट 1895 1QB 918 MPPSC में 2011 में एक क्वेश्चन आया था। इस बाद में उक्त बाद में यह व्यक्त किया गया था कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता, मतलब ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वहाँ दुराशय नहीं था। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर रहेगा जिस पर यह आरोप है कि वो दुराशय में उसने कुछ कार्य किया है और वह चाहता है कि उसने दुराशय नहीं किया। सिक्स, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य था, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को उचित ठहराया था कि मृत्युदंड देना उचित है। सातवा है गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में, अर्थात जब तक कि व्यक्ति की सांस चल रही तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। आठवां है आर बनाम टॉल्सन का मामला जो MPPSC 2011 में आया है और इससे भी पहले ही आता रहा है, मतलब अति महत्व का क्वेश्चन है ये केस था। इस बाद में तथ्य के आधार पर बचाव से संबंधित है, जो बात है तथ्य के आधार पर बचाव संबंधित है। नाइन है आर बनाम डडले एंड स्टीफेन का मामला, ये बहुत ही प्रसिद्ध मामला है। उक्त बाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा बचाव से संबंधित है कि कैसे प्रतिरक्षा की जाए।
दसवां है मैकनाटन का वाद, ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा है अपने आप में अपने समय का मामला। उक्त वाद में विकृत चित्तता के आधार पर बचाव संबंधी नियमों को प्रतिपादित किया गया था और विकृत चित्तता मत्तता के आधार पर थी। 11 है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, DPP बनाम बियर्ड का मामला, ये भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मामला रहा है। उक्त वाद में मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, जिसमें मत्तता है और उसमें प्रतिरक्षा की गई थी। MPADJ 2011 में ये आया था, KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये भी बहुत प्रसिद्ध अपने समय का मामला है। उक्त वाद में गंभीर और चाणक्य प्रकोपन से संबंधित, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि इंग्लैंड की भांति भारत में भी अपराधी को दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और उसे उस भार का निर्वहन युक्तियुक्त संदेह से परे करना है। मतलब अभियोजन का बड़ा मफूब अभियोजन पे है कि वो सिद्ध करे कि भाई उसने अभियुक्त पे लगाया आरोप संदेह से परे सिद्ध कर दिए हैं, तो ये भार किस पे है, अभियोजन पक्ष पे। MPADJ 2015, 2013 और 2011 में आया है मामला बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये भी अति महत्व का मामला है। उक्त बाद हत्या संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया था। इसी बाद में न्यायाधिपति विवियन बोस ने सदोष मानववध तथा हत्या में विभेद उल्लेखित किया था। कल्पेबल होमिसाइड एवं मर्डर, मतलब 299 और 300 में अंतर स्थापित किया था। 11 14 नंबर का है MPADJ 2011 में आया था, वरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर का ये मामला, ये भी महत्वपूर्ण मामला है। उक्त बाद आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, आपराधिक षड्यंत्र हमारा 120 ए और बी में वर्णित है। 15 है MPADJ 2011 में आया, श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि डकैती संबंधित है और इसमें डकैती से संबंधित मामला था ये। 16 है अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला, उक्त बाद शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। 17 के हर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला, उक्त बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि करार आपराधिक षड्यंत्र का सार है। 18 केदारनाथ बनाम बिहार राज्य का मामला है, इसमें उक्त बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का के अंतर्गत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 19 रेग बनाम गोविंदा का मामला MPADPO 2016 में आया था, उक्त बाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 299 तथा 300 के बीच अंतर का पहली बार विस्तार पूर्वक परीक्षण किया था। 20 ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला जो है, उक्त बाद आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है, जिसमें यह अभी निर्धारित किया गया था कि मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मतलब जीना तो सम्मानीय है, मरना सम्मानीय नहीं है। 21 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 3011 में लैंगिक उत्पीड़न के समन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। 22 महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का जो मामला था, में प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और समान आशय के मध्य अंतर स्थापित किया था। इस बात को सिंधु नदी बात के नाम से भी जाना जाता है। 23 आर बनाम गालिंस का जो मामला है, उसमें धारा 511 के दृष्टांत उक्त इंग्लिश बात पर आधारित हैं।